बिल्कुल बिल्कुल देख 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 हमारा प्यारा फैशन डिजास्टर कॉलर का स्टाइल तो देख लगता है मार्केट में ना बिल्कुल नया है सुरेश क्या हुआ प्रज्ञा काम करने दो ना देखती नहीं कितने सारे गिफ्ट पैक करने हैं लेकिन वो क्या जल्दी काम करो हवा से खराब हो गई थी तो इसलिए ठीक कर हम बने तुम बने एक दूजे के लिए पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर कोई बात नहीं यार चल बाद में फोन कर सुरेश तुम यहाँ मैं तुम्हें पूरे घर ढूंढ रही थी तुम मुझे ढूंढ रही थी और नहीं तो क्या आज तो तुम किचन में भी मुझे ढूंढते हुए नहीं आए ना कोई रिंग ना कोई रोज वो क्या है कि तुम जानती हो कि बहुत सारा काम था सच पूछो तो मैं भी तुम्ही को ढूंढ रहा था झूठे नहीं नहीं वैसे सुरेश आज तुम्हारी बहन का रुका हुआ है आई मीन हमारी रचना का रुका हुआ है यार इट्स अ बिग डे फॉर हर तो क्यों ना इस हैप्पी ओकेशन पे सेलिब्रेशन करें और इस सेलिब्रेशन में तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हाँ हाँ जरूर बताओ मुझे क्या करना होगा पक्का करोगे ना हाँ हाँ पक्का तुम्हें ये पीना पड़ेगा फिर बताती हूँ बोल ये हटाओ मैं ये सब नहीं पीता मेरे लिए प्लीज तुम चाहते हो हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो तो इतना मत सोचो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो ना है ना है ना मैं भी यही चाहती हूँ और ये दादी का कफ सिरप है इसे मना मत करो फैमिली ड्रिंक है पी लो सुरेश पी लो पी लो अरे क्या सोच रही हो पी लो पी लो किसी को बोलना हुआ था सुरेश मैं किसी को बताती हूँ क्या वाह सुरेश तुम्हें इतनी हिम्मत आ गई Honestly, hats off to you, man. अब मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो अब तक तुमने कभी शेयर नहीं की लेकिन आज तुम्हें सारी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेगी आई मीन दिल की बात जुबान पे लानी पड़ेगी करोगे ना मेरे लिए तो तुम इतना कर ही सकते हो ना प्लीज हाँ बुलबुल करूंगा वेरी गुड यार आई मीन क्या हिम्मत है तुम में आज वो आखिरी रात है जब सितारे प्यार करने वालों की हर मुराद पूरी कर सकते हैं काश कि आज इनकी भी बात बन जाए प्यार महसूस होता है वाह सुरेश फाइनली तुम्हें हिम्मत आई गई और तुम्हें अपने दिल की बात बताई दी बोल तो मैं कब का देता पर वो वो मत का चक्कर था पर आज जो तुमने वो दादी माँ का कॉफ सिरप पिलाया ना उससे बता दी काम करते हैं हम लोग टेरेस पे जाते हैं तो सब कुछ बोल देना ठीक है नहीं भी बोलूंगा बोलो टेरेस पे टंकी पे जहां मर्जी बोलो बोलो एक काम करो तुम टेरेस पे जाओ मैं अभी आई ओके जाओ जाओ अच्छा एक मिनट ठीक है बुलबुल अब जाओ अरे जाओ ना अब जो कुछ मैं बोलने जा रहा हूं प्लीज बिना सुने मत जाना प्लीज हाँ बोलो ना आज तक जो बोलना चाहता था वो आज साफ साफ बोल दूंगा और पूरे दिल से बोल रहा हूँ कि
तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी लगती हो। I love you. I love you. तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, टूटी हुई पाइपलाइन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, रास्तों के खड्डों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। सुबह तुम्हारा चेहरा नहीं देखूं जब तक दिन शुरू ही नहीं होता, और रात को खिड़की से तुम्हारा चेहरा न देखूं तब तक दिन खत्म नहीं होता। मैं ठीक हूँ। आज कुछ मत बोलना, आज सिर्फ सुनो, वो सुनो जिसकी रिहर्सल में हर रोज करता था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरे पास होती है ना तो मैं सब भूल जाता हूँ, और जब तुम मुझसे दूर होती हो तो मुझे ना बहुत 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 दर्द होता है। यहाँ इतना दर्द मुझे इलीगल कंस्ट्रक्शन देखकर भी नहीं होता, ट्रैफिक सिग्नल टूटते हुए भी नहीं होता। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बीएमसी कचरा साफ करे या नहीं करे, मुझे क्या है, मारा गरीबों को घर दे या नहीं, मुझे क्या है, मुझे अब सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखना है, सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखना है। मुझे लगता नहीं था कि कभी भी तुम मुझे हाँ कहोगी, लेकिन इससे पहले कि तुम किसी और को हाँ कह दो, मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमारी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, एक दो नहीं तीन, एक्चुअली जितने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करती है उतने। Will you marry me? बोल रही है यस। ये लड़कियां भी ना सबको सबक सिखाऊंगी मैं। क्या था वो? हाँ, दुनिया में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, टूटी हुई पाइपलाइन से भी ज्यादा। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीएमसी कचरा उठा रही है। प्लीज रह चुप, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? प्लीज तुम लोग क्यों ऐसे छोड़ो मुझे तुम लोग, और ये पूरे कमरे की क्या हालत बना रखी है। वो बोले तो प्यार और हम बोले तो गुस्सा। वैसे दी गुस्से होने का नाटक मत करा, मैं जानती हूँ तेरे मन में लड्डू फूट रहे लड्डू। और नहीं तो क्या, शक्ल तो देखो इनकी कैसे शर्म से लाल हो रही है। तुम लोग ये बकवास बंद करो, पहले बताओ सुरेश को ये शराब किसने पिलाई? ये बड़ा कांड आपकी छोटी बहन के अलावा और कौन कर सकता है? क्या जरूरत है? अगर बुलबुल ने भैया को शराब नहीं पिलाई होती ना तो वो आज भी आपकी बजाय आईने को ही प्रपोज कर रहे होते। दी वो ना मुझे प्रज्ञा समझ बैठा और गलती से मेरा ही हाथ पकड़ लिया। मैं तो डर ही गई थी दी, जैसे उसने मुझे रिंग और रोज दिया था वैसे कहीं प्रपोज ना कर ले बस। अगर ऐसा हो गया होता तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, साली घरवाली बन जाती। अच्छा अच्छा, अब सुरेश भैया ने दी को प्रपोज तो कर दिया है, बट अब आगे क्या? वो तो नशे के धुन में पड़ा हुआ है वहाँ पे। जा जा उसे उठा दे जा, मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा कहीं नहीं जा रही तो ठीक है, मैं चले जाती हूँ। अगर उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं इस बार उसे मना नहीं करूंगी। चलेगा ना तुझे? बुलबुल तो तुझे तो मैं भाग दूंगी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।